हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 8 जनवरी 2019 की हम बात करते हैं। 8 जनवरी 2019 का करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी ऐप पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में मंत्रिमंडल आर्थिक रूप से पिछड़ी उच्च जातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवान स्टेट दैट द यूनियन गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड 10,900 करोड़ रुपीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 40 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 4 वर्षों में 40 उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया AAI साइंड MOU विद सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर फॉर जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड सर्विलियंस CNS। भारतीय विमान पतनन प्राधिकरण AAI ने संचार नेविगेशन और निगरानी CNS के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अनाउंस्ड इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ अप टू 3 लाख रुपीज फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स WSGS इन द स्टेट। देयर आर अराउंड 6 लाख्स WSGs इन ओडिशा। द इनिशिएटिव विल बेनिफिट अबाउट 70 लाख वुमेन्स। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 3 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की। ओडिशा में लगभग 6 लाख WSHGS हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे इरना सोलबर्ग हैज अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन ए 3-डे स्टेट विजिट टू इंडिया। सी वाज अकॉम्पेंड बाय सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम हर गवर्नमेंट एंड ए लार्ज बिजनेस डेलीगेशन। सी विल पार्टिसिपेट इन द इंडो नॉर्वे बिजनेस कॉन्फ्रेंस। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ उनकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल था। वह इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगी। नेक्स्ट, कमेटी फॉर्म्ड गठित समितियाँ। द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कंस्टिट्यूटेड ए टास्क फोर्स टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ सुसाइड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय। द टास्क फोर्स हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फिजिस्ट्रिस्ट डॉक्टर जितेंद्र नागपाल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों की आत्महत्या के मुद्दों को देखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स का गठन मनोचिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र नागपाल की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट,
द गवर्नमेंट हैड नोटिफाइड ए हाई लेवल कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एमपी बेज ब्रॉ इन चेयरमैन ऑफ द 9 मेंबर कमेटी द कमेटी विल एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन सिंस 1985 टू इम्प्लीमेंट क्लॉज 6 ऑफ द आसाम अकॉर्ड सरकार ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति को अधिसूचित किया है सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमपी बेज बरुआ 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं समिति असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए 1985 से कार्यों की प्रभावशीलता की जांच करेगी आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रेजेंटेड रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इन 18 कैटेगरीज अक्रॉस प्रिंट ब्रॉडकास्ट एंड प्योरली डिजिटल फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क डन इन 2017 गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 2017 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रिंट ब्रॉडकास्ट और विशुद्ध रूप से डिजिटल में 18 श्रेणियों में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड प्रस्तुत किए नेक्स्ट बात करते हैं रेजिग्नेशन इस्तीफे इन द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल केविन स्वीनी हैज रिजाइंड ए मंथ आफ्टर डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस अनाउंस्ड हिज डिपार्चर रक्षा सचिव जेम्स मैटिस के अपने प्रस्थान की घोषणा करने के एक महीने बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्षा विभाग चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ एडमिरल केविन स्वीनी ने इस्तीफा दे दिया है नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार स्विट्जरलैंड रोजर फेडरर एंड बेलिंडा बेनिकिक सिक्योर्ड विक्ट्री ओवर जर्मनीज एंगली क्यू कर्बर एंड अलेक्जेंडर जर्वियो इन टू विन द होपमैन कप फॉर द सेकेंड ईयर इन ए रो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और बेलिंडा बेनिकिक ने जर्मनी के एंजेलिक कर्बर और अलेक्जेंडर जिवेरेक को हराकर लगातार दूसरे वर्ष होपमैन कप जीत लिया है नेक्स्ट और लास्ट न्यूज बैंकिंग समाचार द गवर्नमेंट हैज एमलमेंगेटेड 3 रीजनल रूरल बैंक्स पंजाब ग्रामीण बैंक मालवा ग्रामीण बैंक एंड सतलज ग्रामीण बैंक इनटू ए सिंगल आरआरबी सरकार ने 3 श्रेणीय ग्रामीण बैंक को पंजाब ग्रामीण बैंक मालवा ग्रामीण बैंक और सतलज ग्रामीण बैंक को एक ही आरआरबी में सम्मिलित कर दिया है तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी करंट अफेयर्स हैं यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें जो भी आपकी क्वेरी जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही हमें फेसबुक इंस्टाग्राम और अन अकेडमी पर फॉलो करें थैंक यू सो मच धन्यवाद आपका दिन शुभ हो